नमस्कार, आप देख रहे हैं राही न्यूज। खबर जिला हरिद्वार की रुड़की लिबरहेड़ी गांव से है, जहां एक परिवार खेल की दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहा है। आपको बता दें कि पति शुभम लोहान जूडो में माहिर है, तो पत्नी स्नेहा ने कुरास के गेम में महारत हासिल की है। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में 60 देशों के लोगों ने भाग लिया, जिसमें स्नेहा ने कुरास में सिल्वर मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। खास बात यह है कि दोनों पति पत्नी देश के लिए सरकारी पद पर सेवा भी दे रहे हैं। पति बीएसएफ दिल्ली में तो पत्नी उत्तराखंड के चमोली में सब इंस्पेक्टर के पद पर है। शुभम ने बताया, जब वह 5 साल के थे तभी से खेलों के प्रति उनका रुझान रहा था। वहीं उनकी बहन, पिता और भाई भी खेलों में अपना समय देते आ रहे हैं और सब जूडो में महारत हासिल कर चुके हैं। नाम शुभम है और मैं बीएसएफ में एज अ कांस्टेबल पे पद पे तैनात हूं और मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूं, वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन हूं और सिल्वर मेडल है मेरा साउथ एशियन गेम्स में और कई ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में मैंने पार्टिसिपेट किया है। फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं आगे एशियन होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी कर रहा हूं, जो ये 2022 में होने थे ये पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो अब 2023 में एशियन गेम्स है और फिर जो आने वाले ओलंपिक 2024 में मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें देश की तरफ से खेलने का मौका मिल रहा है और अपने क्षेत्र का और अपने गांव का अब नाम रोशन करने का मौका मिल रहा है, तो ये तो एक मतलब एक प्लेटफॉर्म है गेम, तो ये इसमें हम अच्छा करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जो सिस्टर है वो भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट है शालू, और जो इनकी सिस्टर है वो भी सारी इंटरनेशनल प्लेयर है। सुची का अभी कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने गई थी, तो मतलब पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, और जो पापा है वो भी कबड्डी खेलते थे, अंकल कबड्डी खेलते थे, दूसरे अंकल वॉलीबॉल खेलते थे, तो मतलब शुरू से ही ऐसा माहौल मिला है जिससे मतलब इसी में चले गए आगे। लेकिन प्लेट जैसा गेम है, अगर हम इसको कैरियर बनाने के लिए यूज़ करें तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे सबसे बड़ी बात, अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है और मतलब देश प्रदेश का नाम करने का। एज अ कांस्टेबल भर्ती हुई थी, ठीक है, लेकिन 2016 में मैंने मेडल से ही प्रमोशन प्राप्त किया है, और इसमें जिसमें अशोक कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, प्रैक्टिस के लिए, खेलने के लिए, अभी कुराज के लिए भी मुझे उन्होंने ही परमिशन दी थी खेलने के लिए एशियन गेम्स की, जो कि जिसमें मैं फर्स्ट आई थी, तो फर्स्ट उसके बाद मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिलेक्शन हुआ जिसमें मैंने ये सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ईरान से मैं लूज़ कर गई थी, उज़्बेकिस्तान से मैं जीती हूँ, और उज़्बेकिस्तान का ये गेम है। हाँ, दो 60 देश आए थे और 600 या 700 प्लेयर्स थे। सिल्वर मेडल मैंने प्राप्त किया है और बहुत अच्छा उनका अच्छा मतलब हमारी जो फेडरेशन है कुरास फेडरेशन ऑफ सॉरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए। मेहनत कर रही हैं, एशियन गेम्स के लिए तैयारी करूँगी मैं, एशियन गेम्स में मैं इसमें चाहूँगी कि मैं एशियन गेम में पदक जीतूँ, एशियन गेम की तैयारी करूँगी मैं। महिला को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपको जो करना है आप करिए, आप अपना सेल्फ डिफेंस के लिए भी गेम कर सकते हैं, अपनी तरह मतलब अपनी अपनी एज अ करियर भी आप गेम ले सकते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ के लिए कम नहीं, किसी से भी कम नहीं है, अपना बॉयज गर्ल्स तो यह तो सब बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, हमने भी उतनी मेहनत करनी, उन्होंने भी उतनी मेहनत करनी, बट